हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको डोब्रिनर ट्राइड के बारे में बताया था, राइट। सो जो ऑक्टर डोब्रिनर थे, देवर न्यूलैंड, जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, राइट। 1865 की बात है। ये जो न्यूलैंड थे, ये इंग्लिश केमिस्ट थे। पूरा नाम इनका क्या था, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक मास बोलिए, एटॉमिक वेट बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स एंड नोटिस दैट, और उनने ये पाया दैट एवरी एट्थ एलिमेंट, हर एक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है सिमिलर है, लाइक द एट्थ नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल, जैसे म्यूजिक होता है। न्यूलैंड जो थे, ये म्यूजिक के बहुत ही शौकीन थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो है इस क्लासिफिकेशन को म्यूजिक के साथ जो है कंपेयर किया है, राइट। कि जैसे म्यूजिक में होता है एट्थ टोन जो है वो फर्स्ट टोन के साथ मैच करता है, जैसे सारे गामा पादानी, राइट। सारे गामा पादानी, फिर सा, तो फिर सा जो है यहाँ पे आएगा, राइट। इस तरीके से तो कुछ उन्होंने ऑक्टेव्स बनाए, जो न्यूलैंड का जनरलाइजेशन था, आइडिया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, तो म्यूजिकल नोट के साथ उन्होंने कंपेयर किया, जैसे म्यूजिकल होता है, ठीक है। जैसे सारे गामा पादानी, फिर सा यहाँ पे आएगा, ऐसे इन्होंने फर्स्ट रो जो ली है एलिमेंट, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैसेस उस वक्त अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो जैसे फ्लोरीन तक सेवन्थ एलिमेंट आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो एट्थ एलिमेंट जो सोडियम है, इसकी प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच कर रहा है। अगर हम कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो कार्बन हमारे लिए वन होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कार्बन के साथ मैच कर, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ मैच करता है, ऑक्सीजन का सल्फर के साथ, नाइट्रोजन का फास्फोरस के साथ, बोरान का अल्मोनियम के साथ, बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ, और लिथियम का सोडियम के साथ, ठीक है। तो इन्होंने जो लॉजिक लगाया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो भी ठीक था, क्योंकि आज भी आप पीरियडिक टेबल में देखेंगे तो लिथियम के नीचे ही सोडियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, बोरान के नीचे एल्युमिनियम है, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थी, इट वाज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, ये कैल्शियम तक ही वैलिड था। तो वहाँ से आगे एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई नहीं किया जाने लगा, और जब बाद में नोबल गैसेस का डिस्कवरी भी हुआ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो फिर जो है ये क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं रहा, ठीक है। जब न्यूलैंड ने ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, तो उस वक्त सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नाउन थे, इनके वक्त में 56 एलिमेंट्स नाउन थे, लेकिन ये सब के जो है ये ऑक्टेव्स नहीं बना पाए, राइट। तो लिमिटेशन इसका यही है कि इट इज़ वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है ये, और नोबल गैसेस का डिस्कवरी अभी नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये आप जो है न्यूलैंड के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद लोथर मेयर ने भी जो है क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, क्लासिफाई किया, ठीक है। इन्होंने जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, ठीक है, एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, लोथर मेयर जो केमिस्ट थे, राइट, इन्होंने क्लासिफाई किया ग्राफ की बेसिस पे। 1869 की बात है, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन, उन्होंने ग्राफ जो है प्लॉट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट एटॉमिक वेट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे हम आपको ग्राफिकली बताएंगे, जैसे कि एक एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम रख लिया, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और दूसरे एक्सिस पे उन्होंने क्या रख लिया, एटॉमिक वेट रख लिया, एटॉमिक वेट, राइट। और उन्होंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया, ठीक है।
ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन बताई, जैसे इस तरीके से ग्राफ बनाया, इस तरीके से ग्राफ। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और ये पाया, और ये उन्होंने कहा कि जो जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर पोजीशंस पे आते हैं, राइट। जैसे लिथियम अगर टॉप पे है तो सोडियम भी यहाँ पे आएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इनकी सिमिलर पोजीशंस होंगी, टॉप पीक्स इनकी पोजीशंस होंगी। और जैसे अगर हम बेरिलियम की बात करें, अगर बेरिलियम यहाँ पे है ग्राफ पे, जैसे डाउनवर्ड पीक जो है डाउनवर्ड, तो बेरिलियम, तो फिर यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, बेरिलियम मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, इस तरीके से। और अगर हमारे पास जैसे जो असेंडिंग कर्व है हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लीजिए असेंडिंग कर्व, तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन है तो ये भी असेंडिंग कर्व है, ठीक है, ये इस पीक असेंडिंग कर्व है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे हम बात करें, जैसे अगर हमने यहाँ पे फ्लोरीन बताया तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ब्रोमीन। अगर आपने यहाँ लिथियम रखा तो यहाँ सोडियम होगा और यहाँ पोटेशियम, और अगर आपने यहाँ पे बेरिलियम रखा तो यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, जो डिसेंडिंग पीक्स हैं, मैग्नीशियम होगा, और यहाँ पे ये कैल्शियम होगा। इस तरीके से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ने बताया कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई दी सिमिलर पोजिशन ऑन द ग्राफ, राइट। गौ में उन्होंने कहा कि जो टॉप पोजीशंस हैं देवर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, जैसे ये पीक बन रहा है, ठीक है, अच्छे से पीक ड्रा करते हैं, जैसे पीक है, तो पीक पे आएंगे अल्कली मेटल्स, राइट। और जो असेंडिंग पोर्शंस हैं कर्व के, असेंडिंग पोर्शंस हो गए, जैसे ये ऊपर के लिए असेंडिंग, तो जो असेंडिंग पोजीशंस हैं कर्व के, असेंडिंग पोजीशंस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहेंगे, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो मिनिमा ऑफ द कर्व पे रहेंगे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मिनिमा ऑफ द कर्व, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लोथर मेयर, ये ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे, ये इन ज़्यादा फेमस जो थे मेंडेल्यू हुए थे, जिनका पूरा नाम दिमित्री मेंडेल्यू था। ये दोनों साइंटिस्ट एक ही वक्त में जो है अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे, बट लोथर मेयर जो है ये जल्दी से अपना वर्क जो है पब्लिश नहीं कर पाए, और मेंडेल्यू जो है अपना वर्क जल्दी से पब्लिश कर पाए, तो जिसके कारण जो है लोथर मेयर जो है उतने फेमस नहीं हैं, राइट। ये कुछ बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद 1869 की ही बात है, एक ही वक्त में ये साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे। तो मेंडेल्यू पीरियोडिक लॉ के बारे में अब हम पढ़ते हैं, मेंडेल्यू पीरियोडिक लॉ। मेंडेल्यू के वक्त में 63 एलिमेंट्स जो है नाउन थे, ठीक है। तो मेंडेल्यू ने 63 एलिमेंट्स को टेबलर फॉर्म में अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। तो ये मेंडेल्यू पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। आप एटॉमिक वेट बोलिए, एटॉमिक मास बोलिए, वन एंड द सेम थिंग हियर। तो मेंडेल्यू ने कहा कि एलिमेंट्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है यहाँ पे डिपेंड करता है एटॉमिक मास के ऊपर। और उन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में अरेंज किया टेबलर फॉर्म में। इन मेंडेल्यू पीरियोडिक टेबल देयर वर 8 वर्टिकल कॉलम्स, कितने कॉलम्स थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, मतलब डाउन द ग्रुप ऐसे होगी नीचे के लिए वर्टिकल कॉलम्स, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। उस वक्त अभी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, ये जीरो ग्रुप जो है एब्सोल्यूट किया हुआ है, ठीक है। ही अरेंज द एलिमेंट्स, मेंडेल्यू ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी वो सेम वर्टिकल कॉलम में आएंगे। इस टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको उसने पीरियड्स कहा था,
राइट, आगे के लिए सेवन हॉरिजॉन्टल रोज जिनको उसने पेरेट्स कहा था, नीचे के लिए कॉलम्स, तो एट वर्टिकल कॉलम्स बता रहे हैं और सेवन पीरियड्स बता रहे हैं मेंडेलियो के वक्त में। ही केप्ट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर नेचर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर नेचर है उनको उन्होंने सेम कॉलम में रखा। एंड और किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में, राइट। और उन्होंने कुछ गैप भी जो है रख लिए थे, ही लेफ्ट द गैप फॉर द एलिमेंट्स विच वर अननोन एट दैट टाइम, कुछ वक्त उस वक्त जो है कुछ एलिमेंट्स नाउन नहीं थे, उनको ये पता था कि फ्यूचर में जो है कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उनके लिए उन्होंने कुछ स्पेसेस जो है वैकेंट रख लिए, राइट। ही लेफ्ट द गैप अंडर एलुमिनियम, एलुमिनियम के नीचे ने एक गैप रख लिया, वैकेंट स्पेस रख लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एलुमिनियम है तो यहाँ पर उन्होंने गैप रख लिया कि एलुमिनियम का जो एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। एंड अंडर सिलिकॉन वहाँ पे भी उन्होंने एक स्पेस खाली रख लिया, तो उस वैकेंट स्पेस को उन्होंने इक्का एलुमिनियम और इक्का सिलिकॉन के नाम से उस वक्त बता दिया। इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट टू कि इसके बाद जो डिस्कवर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, एलुमिनियम के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन के बाद जो डिस्कवर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, इस तरीके से उन्होंने वैकेंट स्पेसेस रखे हुए थे, राइट। अब ये तो कुछ गुड पॉइंट्स थे मेंडेलियव पीरियड टेबल के, कुछ डिमेरिट्स भी थे। क्या क्या डिमेरिट्स थे? ही डिड नॉट गिव एनी सेपरेट प्लेस टू आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स भी थे जैसे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, कार्बन के, उन्होंने कोई सेपरेट पोजीशन नहीं रखा, राइट। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज एनिमलस, फिक्स नहीं था कि हाइड्रोजन की पोजीशन को कहाँ पर प्लेस करें। इट शोज़ रिजेम्बलेंस विद एलिमेंट्स ऑफ बोथ फर्स्ट एज वेल एज एट्थ ग्रुप, जिन्होंने एट्थ आठ ग्रुप बनाए थे तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज़ शो करता था और एट्थ ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज़ शो करता था, तो हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाई नहीं थी। पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स एंड एक्टिनाइड्स कुड नॉट बी जस्टिफाइड, उन्होंने जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन जो है वो जस्टिफाई नहीं किया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन भी अलग से जस्टिफाई नहीं किया। सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट बहुत हाई था जैसे कोबाल्ट, हैव बीन गिवन पोजीशन बिफोर द एलिमेंट्स हैविंग लोअर एटॉमिक वेट, तो ये भी इनका एक लिमिटेशन रहा कि जैसे कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ये 58.9 बता रहे हैं और निकल का 58.6 बता रहे हैं, तो निकल तो पहले आना चाहिए अगर हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो निकल जो है वो पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने टेबल में जो इन्होंने मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें इन्होंने कोबाल्ट को पहले मेंशन किया और निकल को बाद में मेंशन किया, राइट। तो ये इनके कुछ मेन डिमेरिट्स रहे जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।